या फिर कोई मान लीजिए टेररिस्ट होता है, वो क्लियर क्या बोलता है कि हम टेररिस्ट थे नहीं बचपन से, लेकिन हमको बनाया गया है, मजबूरी में बनाया, तो हमको भी, हम भी हिंदू थे लेकिन हमको मजबूरी में कट्टर हिंदू बनाया गया, और हमको अपने आप पे गर्व है कि अब हम कट्टर हिंदू है, पूरा सरकार हमारा है, ठीक है, सिस्टम भी हमारा है, दिल्ली पुलिस का केंद्र किसके हाथ में है, सब हम है हमारे हाथ में, उसके अंदर इतना खौफ है ना कि वो फिल्म रिलीज कर ही नहीं रहा है, गुजरात में तो आ नहीं रहा है, हम तो अभी ना आए हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जब से चल रहा है, हम तब से जान रहे हैं, तब से हम बॉयकॉट कर रहे हैं, कट्टर मुस्लिम और कट्टर हिंदू, ये दोनों होना बहुत सही, कट्टर तो दोनों खतरनाक है ना, दोनों सही चीज है भैया जी, कैसे नवाजुद्दीन अच्छा मनोज अच्छा आप रंग का विरोध करें, मनोज तिवारी का नाम सुने हैं? हाँ, उनका गाना सुने हैं? बिहार से आते हैं आप भी? बिल्कुल हाँ सुने। तो वो कैसा था, भगवा का सम्मान था उसमें? नहीं अपमान था। तो फिर मनोज तिवारी को बोलिए बॉयकॉट, हम तो कर रहे हैं, आप हमको बीजेपी मोदी जी से कह करके सांसदी से हटवाइए ना उनको भी। हाँ तो मोदी नहीं, अपील कीजिए, अभी अपील कीजिए मोदी जी से, अगर मनोज कोई भी आदमी, मनोज तिवारी ही नहीं, निरहुआ हो, अमरपाली दुबे हो, या जो भी हो, शाहरुख खान, ये सब कोई भी हो, जो भी भगवा का अपमान, सनातन संस्कृति का मजाक बनाता है, वो सबको जो है अपने पद से निष्कासित करना चाहिए, और सबको हिंदुस्तान में कहीं अभी तक निष्कासित नहीं होते। मोदी जी आप लोग की बात नहीं सुनते हैं, मतलब कट्टर सनातनी, उनकी बात मोदी जी कहाँ सुन रहे हैं? मोदी जी तक आप लोग पहुंचेगा तब ना, आप लोग तो अपना ये क्या बोलते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं सत्ता के दलाल बन जाते हैं, आप लोग अपना बात को छुपा देते हैं, जो मेन बात हम लोग बोलते हैं उसको काट के आप लोग हाईलाइट बना देते हैं, पठान हिट हो गया। तो मतलब मनोज तिवारी को सदस्यता रद्द होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, कसके बोलिए जरा, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मनोज तिवारी, हम आपको क्या बोल रहे हैं, कोई भी आदमी जो सनातन संस्कृति का मजाक बनाता है उसको निष्कासित, ऐसे लोग सांसद बनाती है तो कैसा लगता है आपको? गलत है, गलत है, इसका पूर्ण विरोध है, मोदी जी का क्या विरोध करेंगे? अरे ऐसे लोग टिकट दे रहे हैं वो? नहीं नहीं सुनिए ना, वही तो कह रहे हैं, मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी बॉयकॉट पठान बोले है, मोदी जी बॉयकॉट पठान बोले है, मोदी जी, अरे सुनिए ना भैया जी, मोदी जब पठान का विरोध नहीं किया तो आप ये कैसे आप इतना कर देते हैं? ये है, आप जिस इंसान का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी ने उनको टिकट दिया है और वो हिंदू विरोधी गतिविधियों में, तो अगर ऐसे नहीं नहीं मोदी जी का विरोध क्यों करे, अगर विरोध करना, ये लोग तो अगर मान लीजिए भगवा पहना है, ठीक है, राम के नाम पे गाना बनाया, तो सुनिए ना, नहीं नहीं, तो अगर ऐसा आप राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहते हैं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे को सीट कौन देने वाला है, कांग्रेस देने वाला है, तो राहुल गांधी का क्यों नहीं विरोध करेंगे? कर रहे हैं विरोध, बिल्कुल कर रहे हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ना मोदी जी पठान का विरोध कर रहे हैं, ना मोदी जी मनोज, ये मनोज तिवारी का विरोध किया, तो फिर हम दोनों में से किसी को क्यों ले? ऐसे लोगों को टिकट, हम मनोज तिवारी का विरोध, ऐसे लोग क्यों पहुंचा रहे जो हिंदू विरोधी हैं? गलत है, वो लोग का फेम है तो उन लोग को भी यूज किया जा रहा है। अक्षय कुमार हिंदू विरोधी हैं? नहीं हिंदू विरोधी नहीं है, हिंदू विरोधी, आपने उनका फिल्म नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है, तो फिर मैक्सिमम फिल्म देखा है। हाँ, तो फिर और कहीं ना कहीं आदि पुरुष हो, लाल सिंह चड्ढा हो, जो भी फिल्म आया है, जो भी मतलब सनातन संस्कृति के साथ मजाक बनाया है, वो सब मूवी का हम लोग बॉयकॉट हो जाएगा, फिर क्या करोगे भाई, क्या करेंगे? पहली बात तो सुनिए, उसके अंदर इतना खौफ है ना कि वो फिल्म रिलीज कर ही नहीं रहा है, गुजरात में तो आ नहीं रहा है, ओटीटी पे कहां जो खबर आ गई, गुजरात में फिल्म रिलीज नहीं हो रहा है, जाके देख लीजिए, आपको लगा हुआ था आप लोगों ने फाड़ दिया जाके, बस ऐसे ही फटेगा, ऐसे ही आग लगेगा, अगर मान लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग मेजोरिटी में है, हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, और कोई भी अब आप मान लीजिए हरा बिकनी पहनेगी तो हम उसका ही विरोध करेंगे, क्योंकि हरा रंग भी हमारा ही है, हरा रंग हो, नीला हो, पीला हो, सब रंग हमारा ही है, सब पे आपका कॉपीराइट है, कॉपीराइट का बात नहीं, आप अश्लीलता का मेन दिक्कत है, आप अश्लीलता का विरोध करना अलग चीज होता है, रंग को लेकर विरोध करना अलग चीज, अश्लीलता में तो भोजपुरी का भी आपने विरोध किया, उसमें कहीं आपत्ति हुई, लेकिन आप रंग को लेकर के कि भगवा है आप नहीं पहन सकते हैं, तो ऑरेंज कलर तो कोई भी भगवा रंग में साबुन का नाम सुने हैं, डेटॉल साबुन लगाते हैं यार, हम सब का नाम सुने हैं, डेटॉल साबुन लगाते हैं, ऑरेंज डेटॉल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कहाँ लगाते हैं? सब जगह लगाते हैं, अब तो आप पान नहीं किए भगवा का, ऐसा नहीं है, देखिए हम बताते हैं, ऐसे कॉपीराइट कर लोगे कि ये भगवा हो गया, हम आपको क्या बोल रहे हैं, कलर का यहाँ इशू नहीं है, मेन इशू है कि आप लोग बेशरम रंग उस चीज को टाइटल दे दिए हैं, वो चाहे कोई भी रंग, उसमें कितना रंग था पता है आपको? आप मुस्लिम है ना, आप हमको एक ही बात बताइए, हरा आपका नहीं है? हरा हर एक हिंदू, सब हमारा है, सब हमारा है, सब हमारा, प्रकृति भी हरा रंग का है, नीला पीला सब हमारा है, भगवा भी हमारा है, तो सूरज भी कैसे देगा भगवा हमारा नहीं होगा, तो किसी भी चीज का अगर अपमान हो रहा, किसी भी रंग का अपमान हो रहा, तो उस सब चीज का हम विरोध कर रहे हैं, कौन सा कपड़ा, अरे कपड़ा पहनी, फिर वही तो कह रहे, आपको अगर भगवा ही पहनना था, साड़ी पहनते भगवा रंग का, ठीक है, वो अश्लीलता क्यों दिखा रहे भाई, आपका आधा ज्यादा अंग दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग, और सुनिए आप लोग उस चीज को सपोर्ट करके, उर्फी जावेद जैसी लोग को, दीपिका पादुकोण जैसी नग्न लोग को, मतलब बता रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं आप लोग अपने कल्चर को खराब कर रहे हैं, भाई
रवि किशन का बात नहीं है, देखिए हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम क्लियर आपको बोल रहे हैं। अरे भैया बताइए, रवि किशन भी अगर गलत कर रहा है, अगर अरे भाई सुनिए, सनातन सिंधिया मजाक कर रहा है तो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, क्लियर बात है, क्योंकि हम ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, लेकिन हम हाँ सनातनी हिंदू है तो हम अपना बात बोले। खानों का विरोध है, आपने कहा खान का विरोध। अरे मेरे भाई, ये जो है अश्लीलता का विरोध करना अलग चीज है, बॉलीवुड भोजपुरी फिल्म में भी अश्लीलता का विरोध होता है, वो अलग चीज है, लोग सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारी भावना हाथ हुई है इस चीज को लेकर विरोध करना अलग चीज है, तो आप पहले तय कीजिए आप अश्लीलता का विरोध करते हैं या रंग को लेकर विरोध कर रहे हैं। हम दोनों चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अश्लीलता, एक मिनट, अश्लीलता का विरोध करने का मतलब कहीं ना कहीं अपने सनातन संस्कृति को भी बचा रहे हैं, तो हम उसको भी लेके चलेंगे ना, क्योंकि हमारा कल्चर ये नहीं कहता है कि ऐसे नग्न होके घूमने। हॉलीवुड फिल्म देखते हैं? हॉलीवुड फिल्म देखे हैं? नहीं देखते हैं। पॉर्न देखे हैं? नहीं देखे हैं। पॉर्न नहीं देखे हैं? आता है साइट पे। तो पहली बार आपने बिकनी में देखा, इससे पहले आपने कोई बिकनी का फोटो नहीं देखा? नहीं नहीं, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई बिकनी नहीं पहना, पहली बार बिकनी पहना। हम तो अभी ना आए हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जब से चल रहा है हम तब से जान रहे हैं, तब से हम बॉयकॉट कर रहे हैं जो भी मूल बाढ़ क्या चीज। हाँ, कंगना रनौत का जहाँ तक बात करें, कंगना रनौत का एक पिक भी हो रहा है कि लॉकअप में जो भगवा पे लात रखी हुई है, पूरा पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं हम, आपको क्या कह रहे हैं, हिंदू विरोधी है वो, हिंदू विरोध। हाँ बिल्कुल, अगर भगवा का अपमान करिए तो हिंदू विरोधी है, उसको भी नहीं चलने देंगे, दिख नहीं रहा कहीं क्या है, उसके भी हम लोग नहीं चलने देंगे, क्लियर बात है। किसकी नहीं चलने देंगे? कंगना रनौत का हो, दीपिका पादुकोण का हो, जो भी हमारे शासन से डर नहीं, आग लगा रहे हो यार तुम लोग। आग नहीं, देखिए हम आपको बताते, देखिए संविधान से देश चलता है ना, आग लगाना, जो भी लोग आग लगा रहे, आग तो अभी तक लगा नहीं है, इस अब्बा मत फैलाइए आप लोग, लेकिन हाँ महंत बोला है तो आग बोलने के लिए तो ओवैसी बहुत चीज बोल देता है, आप लोग उस चीज का नहीं चलाते हैं। तुम्हारे युवा बजरंग दल वाले जा रहे हैं ना, जा रहे हैं पोस्टर फाड़ना, वो होता है, वो अपना राइट है, लेकिन आप आग लगाना ये कहीं ना कहीं बोलना भी करना भी गलत है, क्योंकि संविधान के तौर पर हम लोग का देश चल रहा है तो ये करना गलत है, इसका भी उम्मीद। अगर यहाँ फिल्म हिट हो गया तो क्या होगा? फिल्म नहीं हिट होने वाला है भैया जी, 100 करोड़ में तो अमेज़न ओटीटी पे बेचा भागोगे तुम, वो रिलीज ही नहीं करेगा ना, वो कर रहा है तो अब देखिए कहीं ना कहीं बदलाव किया है, तो कुछ हिंदू अभी भी जाएंगे देखने। अच्छा ये बताया, लेकिन हम पर्सनल मेरा अगर देखें तो हम अभी भी नहीं जा रहे हैं। आप जैसे जो लोग हैं जो हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं, पढ़ाई वगैरह भी करते हैं या फिर संगठन को लेकर मजबूती के लिए, हिंदू को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं हमेशा? पढ़ाई का आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ी मल कॉलेज में हम, ठीक है, और सीयूईटी में बिहार में सबसे ज्यादा रैंक मेरा आया था, ठीक है, गूगल पे आप मेरा सर्च। अच्छा ये कब से जागा कि नहीं हिंदू को बचाना है, हिंदू खतरे में, कब से? देखिए हिंदू तो हम लोग मतलब बचपन से ही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुत्व वाला विचारधारा ये आना के जरूरत नहीं ना है, हम लोग है कट्टर हिंदू में, जब हमारी में क्या फर्क है हिंदू और कट्टर, जैसे ये अरुण है हमारे मित्र, यही भी हिंदू है, कट्टर मुस्लिम और कट्टर हिंदू, ये दोनों होना बहुत सही, कट्टर तो दोनों खतरनाक है ना, दोनों सही चीज है भैया जी, इसलिए सही चीज है। कट्टर आप लोग मुस्लिम को आप लोग खराब बता रहे हैं कि कट्टर मुस्लिम जो ऐसा होता है वैसा होता है, अगर कट्टर मतलब ही होता है कि अपने धर्म का सच्चा पालन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्म को फॉलो करना, तो अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हम धर्म को लेकर चल रहे हैं और धर्म का जहाँ विरोध हो रहा है उसके लिए हो रहे बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम कट्टर हिंदू हैं। ये बताइए 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, पहले मुसलमानों ने राज किया 700 साल, तब हिंदू खतरे में नहीं था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने अचानक से हिंदू पे खतरा मंडराने लगा। हाँ। पहली बात देखिए, हिंदू को खतरा में कोई ला नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस टाइप से अभी लव जिहाद वाला मुद्दा आ रहा है, कहीं ना कहीं कल का न्यूज आया कि एक दलित को जो है 4 मुस्लिम लड़का बगल का जो है रेप उप कर दिया, तो ऐसा जो केस आ रहा है तो जबरदस्ती हम लोग को कट्टर हिंदू बनना पड़ रहा है। जिस तरह सुनिए ना, जिस तरह आप लोग का, जब आप लोग मान लीजिए कोई मुस्लिम अगर मान लीजिए आफ्ताब अमीन हो या फिर कोई मान लीजिए टेररिस्ट होता है, वो क्लियर क्या बोलता है कि हम टेररिस्ट थे नहीं बचपन से, लेकिन हमको बनाया गया है, मजबूरी में बना है, तो हमको भी, हम भी हिंदू थे लेकिन हमको मजबूरी में कट्टर हिंदू बनाया गया और हमको अपने आप पे गर्व है कि अब हम कट्टर हिंदू है, टेररिस्ट तो नहीं ना है, कहीं आग लेने लगा रहे, कहीं दंगा लेने करवा रहे। कट्टर हिंदू क्या करते हैं? कट्टर हिंदू करते क्या, ये बताए थोड़ा। कट्टर हिंदू अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसका हम लोग विरोध करते हैं और धर्म का जो साथ रहता है उसके साथ हम लोग खड़ा रहते हैं, बस। तो तपस्या में लगे रहना चाहिए तब ना कट्टर संत बन जाते हैं। तपस्या साधु संत, अब सब साधु संत बन जाएगा तब तो इस पूरा एकदम यहाँ बढ़िया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, हम लोग का जो अपना विचार है, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे हिंदू, IAS IPS सब कुछ हिंदू है, तब हिंदू खतरे में क्यों आ गया? आप बताइए ना, आप लोग जो भी आप यहाँ पे पूरा सरकार हमारा है, ठीक है, सिस्टम भी हमारा है, दिल्ली पुलिस का केंद्र किसके हाथ में, सब हम है हमारे हाथ में,
लेकिन फिर भी सरदार को काट के फेंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की फेलियर है ना ये, बिल्कुल फेलियर है। अभी तक आफ्ताब अमीन को जो साइको का क्राइटेरिया दिया जा रहा है, जो कि साइको है नहीं, वो कहीं ना कहीं ये बताइए, ये जो कट्टर हिंदू होते हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा खड़े रहते हैं या कहीं मुस्लिम है या किसी दलित बेटी का बलात्कार होता है उसके लिए भी खड़े होते हैं? बिल्किस मानो का जो केस था ना, उसमें भी हम आवाज उठाए हैं। हम जहाँ बोले, तो हम जहाँ पे अगर मुस्लिम किसी लड़का के साथ मॉब लिंचिंग होता है कि जबरदस्ती जैसे राम को लगा ऐसा होता है, उसके खिलाफ भी आपने बीजेपी के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट किया था? बीजेपी के खिलाफ क्यों करेंगे? बीजेपी क्या कर दिया मुस्लिम के लिए? वो तो सबका साथ सबका विकास के लिए चल रहा है। तो बिल्किस मानो का मामला जो है ना, पहले आप पढ़िए ठीक से। बिल्किस मानो का जो मामला है उसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं उसके घर वाले ही दोषी है। केस वापस आप लोग क्यों लिए? अगर आप केस वापस नहीं लेते तो अभी भी चलते रहता केस, जाता। अगर मान लीजिए अगर हिंदू था, अगर उसमें कातिल या जो भी किया था हिंदू, जाता घर वाले का गलती है ना। घर वाला पीछे क्यों हट रहा है? घर वाले की क्या गलती? घर वाला गलती है। अगर प्रोटेस्ट कर रहा है सर को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है क्या? दोबारा नहीं, दोबारा पहुंचा तो घर वाला कहीं ना कहीं केस वापस ले लिया ना। तो दोबारा अगर पहुंचा है तो लेने दीजिए एक्शन। हम तो हमेशा सपोर्ट में हैं। चलिए ठीक है, हम तो बिल्किस मानो के हमेशा सपोर्ट में, कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए।